कोविड के कारण एमपी बोर्ड में क्लास 10 साइंस का बहुत सारा सिलेबस कम हुआ है। हमें जानना जरूरी है कि कौन सा सिलेबस हटाया गया, सिलेबस का कौन सा पार्ट हटाया गया है और कौन सा रखा गया है, क्योंकि समय कम है और ऐसा ना हो कि जो हटाया गया है हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर लें। तो आइए इसे समझते हैं पूरी तरीके से, आपको यहाँ आज स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा सिलेबस एक्चुअल में कितना रखा गया है। तो चलिए यहाँ से देखना शुरू करते हैं। इकाई एक हमारी है रासायनिक पदार्थ प्रकृति और व्यवहार, इसमें 5 अध्याय। अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक, और अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें देख लीजिए अध्याय एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब सारी अभिक्रिया एवं समीकरण और पूरा एनसीईआरटी की बुक का जो पार्ट है वो आपको इसमें करना है। अध्याय 2 अम्ल क्षार एवं लवण, नो चेंज, मतलब पूरा का एनसीईआरटी की बुक से आप इसको करेंगे, ठीक है। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब पहले और दूसरे में कोई चेंज नहीं है अध्याय में, मतलब चैप्टर 1-2 में कोई चेंज नहीं, चैप्टर 3 धातु और अधातु में चेंज है। क्या चेंज है, क्या क्या रखा है? तो रखा है धातु और अधातु के भौतिक और रासायनिक गुण, जो शुरुआती हिस्सा है चैप्टर का वो रखा है। सक्रियता श्रेणी रखी है, उसके गुण रखे हैं, आयनिक यौगिकों का बनना और उनके गुण ये रखा गया है। मतलब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पेज नंबर 41 से 54 तक रखा गया है, शुरुआत का हिस्सा, ठीक है। अब हटाया क्या है, तो इस चैप्टर में जो एनसीईआरटी की बुक है उसके बाद का हिस्सा हटाया है, जैसे धातुओं की प्राप्ति, उसका निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धिकरण, परिष्करण और सबसे महत्वपूर्ण संचारण वगैरह सारा हटा दिया है, और संचारण से बचाव के उपाय सारे हटा दिए। मतलब आपका बुक का जो पेज नंबर है एनसीईआरटी का 55 से 61 तक हटा दिया गया है। मतलब अध्याय 3 जब आप एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे तो आगे का हिस्सा रखा गया है पेज नंबर 41 से 54 तक, और पीछे का 55 से 61 तक हटा दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक, यहाँ भी बदलाव किया है। अब क्या क्या रखा गया है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें भी शुरुआती हिस्सा रखा गया है चैप्टर का, कार्बन के आबंधन रखे हैं, सहसंयोजी बंध रखे हैं, मेथेन की संरचना, फिर एक वो कार्बन के सर्वतोमुखी प्रवृत्ति जिसमें कार्बनिक यौगिक इतनी बड़ी संख्या में क्यों पाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के बारे में है, मेथेन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं और थोड़ी बहुत श्रृंखलाएं शाखा और वलय जो है रखी गए। मतलब ये कुल मिलाकर पेज नंबर 64 से 74 तक रखा गया है शुरुआती हिस्सा, ठीक है। अब हटाया गया है तो जहां कार्बनिक यौगिकों का नॉमिनी कल्चर शुरू हुआ, नामकरण स्टार्ट हुआ है, रासायनिक गुणधर्म है, दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, ये सब हटाया गया, मतलब ये जो मैंने रेड से लिखा है ना ये सब हटा दिया गया है। यहां भी देखिए रेड वाला हटा दिया है, तो यहां देखिए कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे एथेनॉल है, एथेनॉइक अम्ल है, उनके गुणधर्म और महत्वपूर्ण बात साबुन और अपमार्जक भी हटा दिया गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहां आपका पेज नंबर 74 से 85 तक हटा दिया गया है, तो बाद का हिस्सा क्या किया गया है, हटाया गया है। तो अध्याय 3 में भी जो है पहले का शुरुआती हिस्सा एनसीईआरटी की बुक का रखा है और बाद का हटाया है, यहाँ भी चैप्टर 4 में शुरुआती हिस्सा जो है वो रखा है और बाद का हिस्सा 74 से 85 तक हटाया गया है। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में कोई चेंज नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर इकाई 1 को हम ध्यान से देखें तो चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 में कोई बदलाव नहीं है, और 3 और 4 में चेंज किए गए, चेंज मतलब कोर्स कम किया गया है, और कम करने में जो आगे के हिस्से हैं चैप्टर के वो रखे गए हैं और पीछे के हिस्से हटा दिए गए हैं। चलिए आगे और चेंज हम देखते हैं, इकाई 2 में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए इकाई 2 है हमारी जीवों का संसार, इसमें हमारे जो चैप्टर्स हैं वो है 6, 7, 8 और 9। तो 6 जीव प्रक्रम, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। 8 जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है। चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय, पूरा हटा दिया है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, नियंत्रण एवं समन्वय सारा हटा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और चैप्टर 9 जो है आनुवंशिकता और जैव विकास है, उसमें भी बहुत छोटा सा हिस्सा रखा गया है, जैसे आनुवंशिकता क्या है, मेंडल के नियम और लिंग निर्धारण, बस इतना सा रखा गया है। मतलब इसमें आपका ये समझिए पेज नंबर 156 से 161 तक रखा है, बहुत शुरू का हिस्सा। और जो हटाया गया है वो है विकास से संबंधित जितना भी उसके बाद का चैप्टर है, मतलब चैप्टर 9 में जो बाद का हिस्सा है वो विकास से लेकर आखिरी तक, मतलब आपका उपार्जित लक्षण, जाति उद्भव, वर्गीकरण, जीवाश्म, उसके चरण, मानव विकास सब हटा दिया, मतलब 161 से 173 तक हटा दिया गया है। तो यहाँ भी वही हुआ है कि आगे का हिस्सा है, और उसमें भी केवल ये 3 बातें रखी और बाकी ये हटा दिया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ बहुत बेनिफिट आपको दिया गया है यूनिट 2 में, और यूनिट 2 में हमने समझ लिया चैप्टर नंबर 6 और 8 में कोई चेंज नहीं, चैप्टर 7 पूरा हटा दिया है, और चैप्टर 9 में केवल 3 बातें आनुवंशिकता, मेंडल के नियम और लिंग निर्धारण रखा है 156 से 161 तक, और बाकी पीछे का 161 से 173 तक विकास से संबंधित सारा चैप्टर क्या किया है, हटा दिया गया है। अब इकाई 3 पर आते हैं, इकाई 3 जो हमारी प्राकृतिक परिघटना है उसमें चैप्टर नंबर 10 और 11 है। तो चैप्टर नंबर 10 जो है हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें कोई चेंज नहीं है,
ठीक है, उससे रिलेटेड एक थोड़ा सा हो सकता है कि वो दर्पणों के अनुप्रयोग जो है, वो गोली दर्पणों के अनुप्रयोग हटाया है, तो वो आप अलग से भी आप मेंशन कर सकते हैं। अब अध्याय 11 जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, तो इसमें जो हटाया गया वो भी वही बात हो गई कि इसमें शुरुआती हिस्सा हटा दिया है। शुरुआती हिस्से में क्या था, मानव नेत्र था, समंजन क्षमता था, दृष्टि दोष था, तो ये जितने भी निकट दृष्टि, दूरदृष्टि, दृष्टि विषम, जितने दृष्टि दोष हैं सारे हटा दिए, समंजन क्षमता हटा दी, मानव नेत्र हटा दिया, और जो हमारे गोली दर्पण और लेंस के अनुप्रयोग जिसके बारे में बात कर रहा था वो भी हटा दिया। तो पेज नंबर 207 से 211 तक हटा दिया गया है। अब रखा क्या है, मतलब यहाँ पर जो हटाया वो शुरुआती हिस्सा हटाया है चैप्टर 11 का। अब रखा क्या है, तो जहाँ से अपवर्तन स्टार्ट हुआ है प्रिज्म से, जहाँ वर्ण विक्षेपण है, इंद्रधनुष है, तारों का टिमटिमाना है, अग्रिम विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्णन, टिंडल प्रभाव, आकाश का नीला रंग दिखाई देना, सूर्योस्त और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताप वाला जो पार्ट है, 211 से 219 तक ये वाला जो है वो रखा गया है, ठीक है ना। मतलब आपका जो बाद बाद का हिस्सा है इस अध्याय 11 में, उसको क्या किया है, रखा गया है। अब हम बात करते हैं इकाई 4 की। तो देखिए इकाई 4 क्या है, धारा के प्रभाव है। इसमें दो अध्याय, अध्याय 12 विद्युत है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अब अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसमें आकर बदलाव शुरू हो रहा है। तो क्या बदलाव इसमें इकाई 4 में हुआ है, ये हम देख लेते हैं। तो हमने समझा कि इकाई जो है 3 में, हमने देख लिया कि इकाई 3 में हमारे जो दो चैप्टर है उसमें 10वां ऐसा कैसा रखा गया है, कोई चेंज नहीं है, एनसीईआरटी की बुक से ऐसा कैसा है। और जो अध्याय 11 है मानव नेत्र वाला, उसमें आगे आगे का हिस्सा, उसके उसमें जो है मानव नेत्र, समंजन क्षमता, दोष वगैरह हटाए हैं, और बाकी सारा वो चैप्टर भी रखा है। इकाई 4 में हम समझ गए कि अध्याय 12 में कोई चेंज नहीं, मतलब एनसीईआरटी की बुक का पूरा रखा गया है। और जो 13 है उसमें, उस 13 में क्या क्या बदलाव किए गए, आइए देखते हैं। तो देखिए अध्याय 13 में अगर आप देखें तो रखा गया क्या क्या है, तो इसमें शुरुआती हिस्सा रखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रखी गई है, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दक्षिणस्थ अंगुष्ठ नियम, पाश के कारण, परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, वामहस्त नियम, विद्युत मोटर रखी है, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रारंभिक ज्ञान रखा है। मतलब ये आपका पेज नंबर 249 से 264 तक रखा गया है, 249 से 264 तक, ठीक है। अब हटाया क्या है, तो जहां से आपका जनरेटर शुरू हो रहा है विद्युत जनित्र, किताब के अंदर एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 264 में जिस जगह से विद्युत जनित्र शुरू हुआ वहां से हटना शुरू हुआ है, तो घरेलू विद्युत परिपथ हट गया, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हट गई, दुष्ट धारा का प्रारंभिक ज्ञान हट गया। मतलब 264 से 267 तक, 264 से 267 तक हटाया है, मतलब बाद का हिस्सा इस चैप्टर में हटाया गया है। इस चैप्टर में आगे का हिस्सा रखा गया है, पीछे का हिस्सा हटा दिया गया है। अब इकाई 5 पर आते हैं, तो इकाई 5 है हमारा प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें अध्याय 14 है ऊर्जा के स्रोत, ये पूरा हटा दिया गया है। मतलब आपका ये सारा जितना भी आपका सोलर कुकर वगैरह है, जितना भी पार्ट था, पूरा चैप्टर ही हट गया है, पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है। अध्याय 15 और अध्याय 16 ऐसे कैसे रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब एनसीईआरटी की बुक से ये दोनों चैप्टर आपको करना है, 15 और 16। और खास बात यह है कि इस बार इसमें केवल ऑब्जेक्टिव नहीं, प्रश्न उत्तर भी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करें, अभी जितनी बात मैंने करी है वो ये, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 15 और 16 में कोई चेंज नहीं है। चैप्टर 7 और 14 पूरा हटा दिया गया है, और चैप्टर 3, 4, 9, 11 और 13 में कमी हुई है, रिड्यूस्ड हुआ है, वो मैंने आपको यहां पर पूरी तरीके से बता दिया गया है। अगर ब्लूप्रिंट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट वीडियो अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं। थैंक्स।